जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश और सिपाही घायल हो गया और इसी मुठभेड़ में घायल बदमाश और उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व नकली शराब, घटना में प्रयुक्त ह्यूंडई वर्ना कार को कब्जे में ले लिया। एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि एसपी जौनपुर के निर्देश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में शहर कोतवाली क्षेत्र में रात की गश्त व चेकिंग अभियान के दौरान भंडारी रेलवे स्टेशन के पीछे भंडारी के पास मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अपराधी जो अवैध शराब का काम करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को भाई सफलता प्राप्त हुई है। शराब के अवैध काम करने वालों की सूचना थी, पुलिस टीम द्वारा जब रोकी गई तो उसमें से एक बदमाश फायर करता हुआ भागा, जिससे कि हेड कांस्टेबल को गोली लगी। जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार वाराणसी रेफर किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 100 लीटर ओपी, एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, एक वर्ना कार व शराब की 166 नकली शराब की बोतलें प्राप्त हुई है। आदि विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अपराधी सात किस्म का है और इसने पहले भी नकली शराब के धंधे कर रखे हैं।